चतुरंग दंडासन। नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुड बेस फिटनेस। आज का हमारा आसन है चतुरंग दंडासन। ये थोड़ा सा मुश्किल आसन है, मतलब आपको इसको जो उसका वेट है आपके हाथों पर होता है, तो इसमें हम ध्यान देंगे कि किस तरह से इस आसन को किया जा सकता है, इसकी क्या क्या सावधानियां हैं और क्या चेंजेस करके आप इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस आसन को सबसे पहले कैसे करते हैं। तो अपने मैट पर सबसे पहले आप हाई प्लैंक पोस्चर में आ जाइए। ये आपने नीज पर इस तरह से अपने आप को पोस्चर को बनाया। आपके टोज ऊपर की तरफ है, फ्लैट नहीं है। इस तरह से आपने रखते हुए अपने आसन को सबसे पहले हाई प्लैंक पोज में बना दिया। आपकी जो स्पाइन है ना ज्यादा ऊपर और ना ही ज्यादा नीचे आपको करनी है। आपका जो हिप है, जो हिप एरिया है, उसको अंदर की तरफ टक करना है और स्टमक को अंदर की ओर। आपको ध्यान देना है कि नीज भी आपके बिल्कुल ना मुड़े। ये आपने जो पोस्चर को मेंटेन कर दिया, अब धीरे से आपको यहां पर श्वास लेते हुए और नीचे छोड़ते हुए यहां पर आपको रुकना है। रुकने के बाद आपको धीरे से नीचे आना है, हाथों को साइड में रखना है और गर्दन को रिलैक्स छोड़ देना है। चतुरंग दंडासन जब आप करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कुछ चीजों का, जैसे कि ये जो आसन है आप हाई प्लैंक से नीचे भी आ सकते हैं या फिर आप उल्टा लेटकर उसको उसी मतलब थोड़ा सा ऊपर आकर उसी में भी मेंटेन रख सकते हैं। तो ये दो तरीके से हो सकता है। और जिनको लगता है करते हुए पेन हो रहा है, आपको अपना जो बॉडी का वेट है नहीं संभाला जा रहा है, तो 5 सेकंड भी अगर आपसे होल्ड हो रहा है तो भी आपको उसके बाद ही रुक जाना है। आप इसको 10 सेकंड 20 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रही हूँ स्टार्टिंग में, तो आप उसको उसी टाइम ही स्टॉप करेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे उल्टा लेकर, फिर दोबारा उस आसन को दोबारा से आपको उसी तरीके से शुरू करना है। इस आसन में आपको ध्यान रखना है कि जो आपके शोल्डर्स, आपकी जो कोहनी है, काफ़ी वेट आता है, आपकी रिस्ट पर काफ़ी वेट आता है, तो उसमें ध्यान रखना है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, पेन ना हो, किस तरह की चोट ना लगी हो, इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपके नी में प्रॉब्लम है, एंकल में प्रॉब्लम है या हिप या स्पाइन में प्रॉब्लम है, पेन है या साइटिका का पेन है, तो भी आसन नहीं करना है। अगर आपको शरीर जो है बिल्कुल फ्लैट करने में दिक्कत हो रही है, तो ऊपर नीचे नहीं करना है, फ्लैट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप नीज को टच भी कर सकते हैं। नीज को सिर्फ टच करना है, आपके टोज वैसी रहेंगी और हाथ बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, तो भी आप स्टार्टिंग में ये अपना सकते हैं। वरना आप धीरे धीरे, आपको जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपको आसन में स्थिरता आ जाएगी, तब इस आसन को आप बिल्कुल नीज को ऊपर करके, स्पाइन को एकदम स्ट्रेट करके इसके पूरे लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इनके लाभ क्या है इस आसन के, और उस लाभ के द्वारा आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस योगासन की मदद से आपके जो हैमस्ट्रिंग हैं, थाइज हैं, ग्लूट्स, मसल्स जो है मजबूत होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड होती है इस आसन को करने से। इस आसन से आपके जो स्टमक है, स्टमक के भी प्रेशर पड़ता है, फील होता है, तो आपकी जो स्टमक जो है बैली है काफ़ी टोन अप होती है। ट्राइसेप, आपको अगर आर्म्स टोन चाहिए, पतले चाहिए, तो ये आसन बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। बॉडी के हर हिस्से में ब्लड के फ्लो को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है ये आसन, आपके बैक, आपके स्पाइन। और इस आसन से स्पाइन की जो मसल्स हैं, जो आपके जो बैक है, काफ़ी मजबूत होती है और फ्लेक्सिबल भी रहती है। इस आसन को करने से आपकी प्राण शक्ति जो है बढ़ती है, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, फोकस बिल्ड होता है, क्योंकि आपके काफ़ी सारी मसल्स इसमें यूज़ हो रही होती हैं। आपके जो कंधे हैं, अगर आप झुके हुए हैं, तो ये कंधों की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। आपकी कलाई में अगर मतलब कलाई की जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्ड करता है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। किसी काम को करने में आपको लगता है नहीं हो रहा है काम, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ये आसन कर सकते हैं। इसको करने से आपकी जो माइंड पावर है काफ़ी शार्प होती है। तो ये कुछ हमारे लाभ और सावधानियां हैं इस आसन को किस तरह से कैसे करना है, सब है। आप इसको फॉलो कीजिए और अपने आप को, अपनी बॉडी को आसन में इम्प्रूव कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।